नमस्कार माय फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता गढ़ाई ब्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सभी यहाँ पर ठीक हैं। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 2:30 बजे हुए हैं और हम सब यहाँ पर उल्लू की तरह जगह शिवाय बूट गया है। ये देखिए, ये बैग पैक हो रखा है क्योंकि आराध्या जा रही है। कहाँ जा रही है आराध्या? इधर ओली। हाँ, ये घूमने जा रही है छोटी मम्मा छोटे पापा के साथ। तो मैंने यहाँ पे इसको नहला दिया है, तैयार कर दिया है, इसका बैग पैक हो गया है। अब ये निकलने वाली है। बस इसको पहले मैंने हाफ बाजू की टी शर्ट पहनाई, तो फिर पहनाई इसे मैंने फुल बाजू की टी शर्ट। इसके बाल गंद खराब हो गए, मतलब कि कंगा लेके दोबारा करो। अरे सही है। गुड है, सही है शिवाय, सही है दीदी की बात। तो चलिए, अभी थोड़ा बहुत सामान रह गया इसको वो डाल देती हूँ। आराध्या हो गई तैयार सक्षम के आगे। चल 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 चल, शिवाय चप्पल तो पहन। चप्पल पहन लो इसको, खा लो। तो आराध्या चली गई है अपने घूमने, आई वो 3-4 दिन के बाद, और शिवाय लेटा हुआ है। हम यहाँ पे फिर से सो चुके हैं। 4 बज रहे हैं, मुझे दिखा दिया। चलो अभी सोते हैं, फिर उठेंगे 1-1.5 घंटे बाद। 4 बजे में तो 5:30 बजे उठेंगे। हेलो गाइस, अभी हम उठे हैं, बस जस्ट चाय ही पी है। आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया, शिवाय को कल हम जो जूस लेके आए थे वो दे दिया, और हमने चाय के साथ 2-2 बिस्किट ले लिए। और दिन में देखूंगी चावल वगैरह बना लूँगी, क्योंकि जब घर पे कोई होता नहीं है ना, मतलब हम दो हैं, आराध्या चली गई ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं घर कितना खाली हो गया। पहले पापा मम्मी होते थे तो सब्जी बना लेती थी, पापा मम्मी भी चले गए, मैंने नंद के घर जैसे पिछली वीडियो में बताया था आपको मैंने, आज आराध्या चली गई। तो हुआ ये कि अब नाश्ता बनाने का मन कर रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं घर पे, तो इसलिए नाश्ता बनाया नहीं दिन में। हाँ, दिन में देखेंगे चावल बना लेंगे। और अभी सारा काम ये देखिए फैला रखा है इन्होंने, ये उत्तरायण चीज़ें ले आए कल, देखिए शिवाय किया ये ली इसने, मतलब एक बार घुस जाते हैं ना मॉल के अंदर, बस फिर देख जो जितने भी खिलौने दिखते हैं, अगर इन्हें दिख जाती है कोई टॉय शॉप, नंबर गिनी चाहिए थी ऐसी टॉय शॉप कोई दिख जाते हैं ना, फिर घुस जाते हैं ना, जब तक वहाँ से कुछ दिलाओ ना चैन नहीं आता इन बच्चों का। तो रात को आए थे लेट, जैसा कि मैंने बताया है। और आराध्या, आप सोच रहे होंगे आराध्या को अकेले हमने कहाँ भेज दिया है इतनी दूर, एक्चुअली वो ना तो वो गई है शिमला घूमने के लिए और अपने छोटी मम्मा और छोटे पापा के साथ। तो वो जा रहे थे, सक्षम भी साथ में था। हिला मत, शिवाय कैमरा हिल रहा है। तो सक्षम भी जा रहा था, तो सक्षम का वहाँ पे मन नहीं लगता अकेले, तो आराध्या भी, आराध्या को भी लेके गए, तो दोनों खेलते रहेंगे, वो उसे लग जाएंगे, एक दिन जाने में लगेगा उनको, फिर एक दिन रुकेंगे वहाँ पे, फिर एक दिन आने में लगेंगे, मतलब 3-4 दिन लग जाएंगे उनको आते आते। तो आराध्या गई है घूमने और ये महाराज यहाँ पर बैठा हुआ है। फ़ोन रख दे शिवाय, फ़ोन नहीं देखना पिटेगा मेरे से, रुक जा, इसको अभी सीधा करना है मुझे। तो चलिए अभी मैं निपटा लेती हूँ अपना सारा काम। हेलो गाइस, मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट और टाइम हो गया अभी 10:30 हो गए हैं और मैं नहा धो के हो गई फ्री। अभी हम जा रहे हैं बाहर, बाहर मतलब कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है कि ना, मतलब 15-20 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे ना एक घुटने में दर्द हो रहा है। तो अभी दिखाते हैं डॉक्टर को कि एक तो कैल्शियम की कमी से होता है, कि अभी से कैल्शियम की कमी से होता है, एक ये होता है कि ग्रीस ख़त्म हो जाती है घुटने के अंदर, लेकिन अभी से ग्रीस कैसे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी इतनी एज भी नहीं है जो ग्रीस ख़त्म हो जाएगी, मतलब है क्या दिक्कत। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, अगर ज़्यादा देर खड़ी हो जाती है जैसे स्कूल में मैं, और कभी कभी तो
मतलब ठीक लगता है, लेकिन घुटना मोड़ नहीं पाती, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई चोट की वजह से है क्या नहीं है। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, सब हो चुके हैं तैयार, शिवाय भी हो गया है। तो चलिए हम निकलते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ना वहाँ पे डॉक्टर के वहाँ ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और गर्मी भी हो जाएगी। गर्मी तो बहुत शुरू हो ही गई है, दिन स्टार्ट होते ही गर्मी शुरू हो जाती है। तो शिवाय टीवी पे लगेगी, बोल बेटा। तो चलिए हम निकलते हैं। ये देखिए शिवाय हो गया है तैयार यहाँ पे।